Well, good morning everyone once again, and Good. today we proceed further. As you can see, we have started with the Pareto optimality condition in using the Edgeworth box diagram. This is what we have done in the last class, and in case of pure exchange economy. Now today we'll proceed further. As you can see clearly that that we have a contract curve, and contract curve is nothing. A contract curve kya hai? Contract curve is the locus of all Pareto efficient points. अब पेरेटो एफिशिएंट पॉइंट्स ये कैसे बने हैं? लेट अस सी दैट वंस अगेन इन द डायग्राम. लेट्स सी द फिगर. अब इस फिगर में हम देखें पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कैसे अचीव है. देखो, जहां पर दोनों इंडिविजुअल्स के जो इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो रहे हैं, यानी कि जिस पॉइंट पर टेंजेंसी कंडीशन फुलफिल हो रही है दोनों कंज्यूमर्स की, तो वो क्या कहलाता है? एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनता है. तो कैसे बनता है कॉन्ट्रैक्ट कर्व? लेट अस सी. कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर कंडीशन फुलफिल हो रही है एम आर एस ऑफ एक्स वाई ऑफ कंज्यूमर ए शुड बी इक्वल टू एम आर एस ऑफ एक्स वाई फॉर कंज्यूमर बी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई. That means on the common budget line, they should all both be tangent to each other. एक दूसरे के tangent होने चाहिए. Then only the Pareto optimal condition. ये क्या होगी? Pareto optimal condition. ठीक है. इसको मैं एक बार फिर से budget line के through एक Edgeworth box डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूं. लेट मी शो यू टू द डायग्राम वंस अगेन. सपोज वी हैव दिस एजुअल्स बॉक्स. This is the Edgeworth box. This is OA, this is OB, this is X, this is Y. Now, if you can see that from this side, from here to till this point, we will measure the Y allocated to A, and this way we'll measure the X allocated to A. This way we'll measure the, what do you call it, X allocated to B. And this is how Y allocated to B is being measured here. Now suppose we have a budget line. Suppose this is a, अब इसमें क्या होगा बेटे? इसमें डिफरेंट पॉसिबल बजट लाइंस होंगी. जैसे मैं एक बजट लाइन बना देता हूँ. सपोज दिस इज द बजट लाइन. लेट मी draw it with some other color instead of black. Let me draw it with some other color. Let's draw the budget line with a blue color. Suppose we have this budget line. अब ये budget line है, तो इस budget line पर suppose करो ये point पर tangency है. अब इसको अगर इस ओरिजिन से देखेंगे तो ये बी कंज्यूमर की बजट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, और यहां से देखेंगे तो ये ए कंज्यूमर की बजट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. क्योंकि मार्केट में जो प्राइस रेशो है वो तो दोनों कंज्यूमर के लिए सेम ही रहेगा.
प्राइस रेशो जो होगा वो दोनों ही कंज्यूमर्स के लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम? क्योंकि प्राइस तो सेम फेस कर रहे हैं। मान लो मैं और आप मार्केट में सामान लेने जा रहे हैं, तो आप जिस जो मार्केट प्राइस मैं फेस कर रहा हूँ वहाँ पर, वही मार्केट प्राइस आप फेस करेंगे वहाँ पर। दिस इज एज सिंपल एज दैट। आपको भी वही प्राइस देखने को मिलेगा और मुझे भी वही प्राइस मिलेगा, तो उसी प्राइस पर मैं भी परचेज करूँगा, आप भी परचेज करोगे। तो दैट्स वाई वी हैव अ कॉमन बजट लाइन ओवर हियर दैट रिप्रेजेंटिंग द सेम प्राइसेस दैट इज बीइंग फेस्ड बाय द कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स जो हैं जिसको फेस कर रहे हैं। तो ऐसे ही लेट्स ड्रॉ द डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स। सपोज एज इंडिफरेंस कर्व, लेट्स ड्रॉ विद द रेड लाइन, रेड कलर, सॉरी। सपोज दिस इज द एज इंडिफरेंस कर्व, ड्रॉ इट वंस अगेन। This is A is indifference curve, A is at this point, and similarly let's have green color for the B is indifference, and this is B is indifference curve, which is tangent over here, which is tangent over here, this is B is here. So, अब इस पॉइंट पर क्या है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? एम आर एस ऑफ एक्स वाई ऑफ ए बराबर है एम आर एस ऑफ एक्स वाई ऑफ पी इज इक्वल टू है पी एक्स अपॉन पी वाई, इज दैट ओके? हेलो, तो ऐसे ही वी मे हैव डिफरेंट यू नो डिफरेंट कॉम्बिनेशन। सिमिलरली वी कैन हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन। लेट्स ड्रॉ अनदर कॉम्बिनेशन इन द सेम प्लेन। सपोज नाउ द बजट लाइन इज दिस, इज द बजट लाइन। Okay, now if this is the budget line, let's have, this is the tangency points, this is the tangency point where this is the A is indifference curve, this is A1 and this is B is indifference curve, that's the choice. B is in difference curve, which is tangent. Again, D1, let us have this D1. This is again a point on which this condition is fulfilled. अब इसी तरीके से you can have different points, you know. अब इन सब different points को हम जोड़ेंगे तो we'll have the contract curve, something like this. We will have the contract curve. ये हमारा contract. ऐसे यहाँ पर हम assume कर सकते हैं there is some other budget line. Got it, where the indifference curve of A is tangent at this point, A2, let's have this A2, and we have this D2, again this is a tangency point. So what I'm trying to say is, that means on a contract curve, this is a contract curve, this is a contract curve, this is something called as contract curve, and all points on the contract curve justifies this condition, you know. And as this condition is being justified, this is a condition for Pareto optimality, Pareto efficiency, or Pareto optimality. Is that okay? Hello, students? Yes, sir. हाँ, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी भी स्टूडेंट ने कोई सवाल पूछना है अब तक जो बताया इससे रिलेटेड? हाँ जी स्टूडेंट्स, अरे भाई किसी की आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? हेलो स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन पूछना आप में से किसी ने इससे रिलेटेड?
नो सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज हाउ द पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इज डिफाइंड व्हेन द प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी इज देयर। नाउ वी विल सी द इकोनॉमी प्रोडक्शन इकोनॉमी व्हेन देयर इज अ प्रोडक्शन टेक्स प्लेस एंड देन द एक्सचेंज टेक्स प्लेस। देयर इज नो एंडोमेंट। नाउ पहले हमने देखा था प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी, मैंने शुरू में बताया था दो तरह की इकोनॉमीज हैं, दो तरह की मॉडलिंग हम कर सकते हैं, एक तो प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी कर सकते हैं तो ये है, और अब हम देखेंगे प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, बोथ विल टेक प्लेस। Let us consider further. अब देखो बेटे, अब इसमें दो चीजें होंगी। अब हम देख रहे हैं प्रोडक्शन इकोनॉमी, लेट मी राइट ओवर हियर। प्रोडक्शन इकोनॉमी। अब प्रोडक्शन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा और कंजम्पशन होगा, और यही प्रोडक्शन कंजम्पशन होगा इसीलिए फिर एक्सचेंज भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हेलो यस सर, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व आई थिंक। Who is this? May I know the name? Who is this? Sir. Yes. Hello. I am asking that production. Let me know your name first. Who is this? Who is asking the question? Sir, I am Balraj, sir. Balraj. Please ask. Yes. Sir, I am asking that production possibilities curve will come. After the contract curve or before the contract curve? You have to wait for that thing. Have I finished the topic? You should have some patience, R. Balraj. Okay? Okay, sir. Have some patience, then you will get everything. Once my topic is over, once I say the topic is over, then you are supposed to ask the question. All right? Not in between. Okay, sir. Don't interrupt in between. Confusion, sir. So I am I am saying that don't interrupt in between. You are supposed to ask the question once I finish the topic. Okay, sir. Okay? Yes, sir. If you have any doubt or confusion, let it be with yourself till the point I finishes my topic. All right? After that, you can ask. ओके सर। सो उससे होता क्या बेटे, क्लास का जो क्लास का जो फ्लो चल रहा होता है ना टॉपिक पढ़ाने का, वो ब्रेक हो जाता है। मैं हर टॉपिक पढ़ाने के बाद पूछता नहीं हूँ क्या आप लोगों से कि कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। पूछता हूँ ना आप लोगों से ही मैं। स्टिल यू आर नॉट हैविंग पेशेंस। डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन प्लीज। Well, the production economy. Production economy में क्या है कि पहले production होगा, फिर consumption होगा, और उसके बाद exchange होगा. That is how it proceeds. तो consumption के लिए तो same process होगा, same as above. I will not repeat the all the things how it has moved. कि कंजम्पशन के लिए तो सेम यही होगा कि हमने इंडिफरेंस कर्व बनाए हैं यहाँ पर कंज्यूमर्स के, कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर बी है, और उनके इंडिफरेंस में सेम यही प्रोसेस चलेगा। किसमें? कंजम्पशन के केस में। तो आई विल नॉट रिपीट दिस थिंग, बट लेट मी शो यू व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ प्रोडक्शन। दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू सी। अब प्रोडक्शन के लिए क्या है, सपोज हम लेते हैं प्रोडक्शन के केस में क्या होगा, लेट अस अज्यूम देयर आर टू फर्म्स,
let's assume firm 1 and firm 2, or we can write F1 and F2. Firm 1 and firm 2, there are two firms. Number second, there are two factors of production. The two factors of production, labor and capital, and there are two commodities. Commodities and two commodities X and Y, which will be consumed by the consumers. और इसके साथ ही हम ये कह लेते हैं कि let firm 1 produces X and firm 2 produces Y. Let us assume something like this. So these are the assumptions. अब ये assumptions हैं तो simple सी बात है कि जब हमें consumers का equilibrium maintain करना था, consumers का देखना था, तो indifference curve को use किया था. अब हमें producers का देखना है तो हम isoquant curves use करेंगे. तो यहां पर क्या होगा, isoquant curves, because isoquant curves represents the production. Suppose एक firm one है, फॉर्म वन एक्स कॉमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही है. दिस इज द लेबर, दिस इज कैपिटल ओवर हियर, एंड दिस इज आइसो कॉस्ट लाइन. दिस इज आइसो कॉस्ट लाइन, समथिंग कॉल्ड समथिंग सिमिलर टू द बजट लाइन. एंड लेट अस अज्यूम दिस इज द इंडिविजुअल ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ फॉर्म वन, which is producing X commodity. This is the point where this much capital is being employed and this much labor is being employed, and the firm produces X0 quantity with this combination, and that is the optimal point. Ye firm 1 ka hai, let us assume. Similarly, individually firm 2 ka bhi ban sakta hai, same. Let's draw the case of firm second. Here again the labor and the capital, because there are two factors of production, and let's have the iso cost line. This is iso cost line faced by the firm B. Let's have, this is the iso quant curve of Y commodity, because firm 2 is producing Y commodity. This is equilibrium point, or this is the optimal point, or you can say equilibrium point. This much capital is being employed and this much labor is being employed. So this is for firm 2. Ab ye iso quant hai. Iso quant curve, this is also the iso quant curve. तो ये भी आइसो पॉइंट है. अब ये इंडिविजुअली तो हमें दिख रहे हैं, अब दोनों को एक साथ शो करना हो तो सेम थिंग, वी विल डू द सेम थिंग. व्हाट विल ड्रॉ द कॉन्ट्रैक्ट कर्व फॉर दिस, एंड इन द इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट कर्व वी विल ड्राइव द व्हाट डू यू कॉल इट, ड्रॉ दिस कॉम्बिनेशंस, एंड सिमिलरली वी कैन हैव the contract for this also, in case of production also. Let us draw. Or let me draw on the next page. You know, here the space is less also. Let me use the separate page for this.
just use the content curve or the Edward box diagram for the same thing. This O F 1, this O F 2, फॉर्म वन इधर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर्म टू इधर से, यहाँ लेबर है, ये कैपिटल है, यहाँ पर जो कैपिटल है फॉर्म वन को एलोकेटिंग कितनी है, ये लेबर जो है फॉर्म वन को एक्स के प्रोडक्शन के लिए, और लेबर कितनी एलोकेटेड है फॉर्म वन को वाई के प्रोडक्शन के लिए। सिमिलरली यहाँ से यहाँ इस तरफ हम रिप्रेजेंट करेंगे लेबर का एलोकेशन फॉर्म टू को वाई के प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ से यहाँ देखेंगे कैपिटल का एलोकेशन फॉर्म टू को एक्स के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब अगर हम इंडिक आईएसओ पॉइंट कर्व्स बनाएं, लेट्स हैव आईएसओ पॉइंट कर्व्स, लेट्स मेक इट रेड कलर, ये आईएसओ पॉइंट कर्व है एक्स जीरो, दिस इज एक्स वन, this is x2, got it, and let's have the iso point from here onward, this is x for sorry, this is for y, not for x, this is for y, let's have this is y0, again this is y1, again it is y2, this is y2. If we join all these tangency points, if we join all these tangency points, we will have the contract curve, we will have the contract curve. So this is point A, this is B, this is C point, and this is the contact curve. Contact curve. Same condition, they all are the Pareto optimal points. Any point which is off the contact curve is not Pareto efficient. Any point which is off the contact curve, let's mark the point as, again, let's mark the point as Z point. This is Pareto inefficient. Pareto inefficient. और ये सारे Pareto efficiency points हैं। अब ये जो Pareto efficiency points हैं, इन्हीं से हम derive कर सकते हैं क्या production possibility curve. Let me show you how to derive the production possibility curve from this. Let us see how the production possibility curve can be derived from this. ये देखिए, ये origin point है, यहाँ पर x point है, ये यहाँ पर y point, ये y point, y commodity, ये x commodity है, ये y commodity. अब इस contract curve के different points को हमें represent करना है किससे, production possibility curve में, जिसमें हम x और y का देखेंगे। सपोज करो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व यहाँ बनाए हैं, इसी तरीके से क्या कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, सॉरी जो इंडिफरेंस ये आइसो क्वांट कर्व हैं, वो इस तरह से बन सकते हैं। इस पॉइंट पे जाकर यहाँ पर x का एक इंडिफरेंस आइसो क्वांट कर्व हो जाएगा, सॉरी y का, ये y का है ना, y स्टार, ठीक है, और इस पॉइंट पर x का प्रोडक्शन कितना होगा, जीरो। Is that okay? Hello, students, tell me. Students, भाई इस पॉइंट पर x का प्रोडक्शन तो जीरो हो जाएगा और y का प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, यस और नो? हेलो, ठीक है ना, क्योंकि x का ये ओरिजिन पॉइंट है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट कर रही है वाई के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि जितनी भी लेबर और जितनी भी कैपिटल अवेलेबल है इकोनॉमी में वो सारी यूज हो रही है वाई के प्रोडक्शन के लिए।
तो सपोज करो y का प्रोडक्शन ये यहाँ हो रहा है, तो ये यहाँ पर आ गया कि ये पॉइंट है, ये सपोज करो इसको मैं पॉइंट देता हूँ, इसको मैं पॉइंट देता हूँ y स्टार ही ले लेते हैं, ये y स्टार है ना, तो यहाँ y स्टार ही लेते हैं, y स्टार पॉइंट है जिसमें ऑल द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ y एंड देर इज नो प्रोडक्शन ऑफ x इन दिस केस, ठीक है। ऐसे ही अगर इस एक्सट्रीम पॉइंट पे आ जाऊं, आ जाए हम लोग इस एक्सट्रीम पॉइंट पे, यहाँ पर यहाँ से एक आइसो पॉइंट कर्व अगर हम बनाए इस पॉइंट पे, ये हो गया एक्स स्टार, तो यहाँ पे वाई का प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा और एंटायर रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स। तो इसी तरह से यहां हम ले लेते हैं एक पॉइंट एक्स स्टार, एंटायर रिसोर्सेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी। नाउ लेट अस मूव फ्रॉम हियर टू, आइदर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर टू दिस वे और दिस वे टू दिस वे, इट डजंट मैटर। सपोज वी हैव टू रिप्रेजेंट द पॉइंट ए, नाउ एट पॉइंट ए वाई का प्रोडक्शन ज्यादा है, एक्स का प्रोडक्शन कम है, क्योंकि x यहाँ से स्टार्ट हुआ है, y यहाँ से देखो इधर मैक्सिमम उस पर जा रहा है, मेजर रिसोर्सेज है। तो सपोज करो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम बनाएंगे, लेट मी ड्रॉ दिस कर्व फर्स्ट, सपोज दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, नाउ इफ दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देन ऑन दिस कर्व लेट्स मार्क द पॉइंट ए समथिंग लाइक हियर A, this is A point where Y is being produced as Y2 and X is being produced as X3. Sorry, X0. Now, what happened to the B point? Let's have, this is the B point where y is being produced as y1 and x0 quantity for x1, got it. Then let's mark c, let us have c point something over here where y is being produced as y0 and x as x2, I think. So these are the different points. This is how a contract curve, the points on the contract curve can be represented on a iso point, on a in production possibility curve. So jo production possibility curve hai, production possibility curve jo hai, so all points on the curve are Pareto efficient. कि जितने भी पॉइंट्स है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं? Pareto efficient है। ये A पॉइंट भी, ये B पॉइंट भी, ये C पॉइंट भी, ये X स्टार पॉइंट भी, ये Y स्टार पॉइंट भी, और एनी अदर पॉइंट इन बिटवीन दैम, एनी अदर पॉइंट ओवर हियर, एनी अदर पॉइंट ओवर हियर, whichever point lies on the production possibility curve is a Pareto efficient point. Reason being, because it is being derived, it is nothing but the representation of the points of the contract curve, and all the points of the contract curve are Pareto efficient that we have seen. Hello? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Hello? Yes sir. ठीक है, अब जैसे ये z point है, अब ये z पॉइंट जो है ये इनएफिशिएंट है, Pareto इनएफिशिएंट, तो Pareto इनएफिशिएंट जो होगा इसके अंदर आ जाएगा, सपोज z पॉइंट यहां पर है, दैट मींस द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कैन बी इंक्रीज्ड इफ यू मूव फ्रॉम हियर टू हियर, और एटलीस्ट वन कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर, किसी दूसरे का प्रोडक्शन घटाए बिना किसी एक का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए ये क्या है? Pareto इनएफिशिएंट पॉइंट है। तो Pareto इनएफिशिएंट पॉइंट जो ये जेड है, इसको हम बोल देंगे Pareto इनएफिशिएंट पॉइंट। तो
पेरेटो इनएफिशिएंट पॉइंट, इनएफिशिएंट पॉइंट यानी कि जो इस पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो विद इन दिस कर्व है, ये इस कर्व के अंदर है, इनएफिशिएंट पॉइंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया है? अब बताइए, किसी ने कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड? यस अरबी, क्या इससे रिलेटेड किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट मी प्रोसीड, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब इसमें भी जो पेरेटो एफिशिएंसी की कंडीशन जो है वो ये होगी, जो ये है इसमें क्या हो रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स कमोडिटी सॉरी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ऑफ लेबर एंड कैपिटल फॉर एक्स कमोडिटी इक्वल्स मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल फॉर वाई कमोडिटी विच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में आर, दैट मीन्स प्राइस रेशो, प्राइस रेशो या आइसो पॉइंट कर्व्स होंगे ना, या आइसो कॉस्ट लाइन होगी ना, जैसे यहाँ पर हमने किया था, जो अभी मैंने बताया आप लोगों को ऊपर। जिस तरह से यहाँ पर ये बजट लाइन थी, ये बजट लाइन थी, उसी तरह से वहाँ पर ये क्या हो जाएगी, आइसो कॉस्ट लाइन, और ये आइसो पॉइंट कर्व हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये तो इनडिफरेंस कर्व है, ये तो इनडिफरेंस कर्व है क्योंकि कॉमोडिटी के कंज्यूमर्स के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी तरह वहाँ पर क्या हो जाएगी, वहाँ पर क्या होगा, आइसो पॉइंट लाइन। इसलिए जो पेरेटो ऑप्टिमल कंडीशन है ये होगी यहाँ पर, जो कि इसको कॉरस्पॉन्ड करेगी। अब इसमें इसका स्लोप क्या होता है कि स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज गिवन बाय एमआरटी ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। MRT of XY is what? Marginal rate of transformation. This is something called as marginal rate of transformation. Transformation. This is marginal cost of X. Marginal cost of X. And this is marginal cost of Y. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई, गॉट इट? दिस इज हाउ इट इज बीइंग शोन, दैट मीन्स दिस सेम कंडीशन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन दिस वे ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? हेलो, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? हाँ, यस, डू यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग? यस स्टूडेंट्स? नो नो सर। किसी ने कोई सवाल पूछना है? हाँ भाई आर बलराज, कुछ सवाल पूछना आपने? आर बलराज, कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? ओके देन लेट्स प्रोसीड फर्दर। Now we will see how the equilibrium is being determined in the production and consumption both. अब लिखेंगे simultaneous equilibrium. Simultaneously equilibrium कैसे determine होगा, कि एक साथ equilibrium कैसे determine हम करेंगे, इसमें production में भी और what do you call it, consumption में। ध्यान से देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे सपोज करो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने बनाया, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को
उसके बाद फिर आगे देखेंगे सैंपल के नीचे। सपोज दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पी और पी। अब ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इस पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं ये। अब मुझे एक बात बताइए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? कोई कर सकता है आप में से? कर्व या फ्रंटियर को कैसे डिफाइन करते हैं? यस, जो कॉम्बिनेशन इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर सकता है फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज से। हाँ, क्या नाम है बेटे आपका? हर्ष। हर्ष, यस सर। ठीक कह रहे हो, मैं उसको थोड़ा और रिफाइन करके बता देता हूँ कि ध्यान से देखिए। इट रेफर्स टू द कर्व दैट शोज वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू कॉमोडिटीज दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द गिवन रिसोर्सेस इन एन कि। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक वो कर्व होता है जो दो कॉमोडिटीज के प्रोडक्शन की डिफरेंट या वेरियस पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। कैसी पॉसिबिलिटीज? दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। दैट इज इंपॉर्टेंट टू राइट, एंड टेक्नोलॉजी। कि वट एवर द रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड वट एवर द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल इन द इकोनॉमी, विद द हेल्प ऑफ दोज रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी, how much of each of the commodity can be produced, what are the different possibilities। मतलब कि अगर हम इस production possibility curve पर देखें ध्यान से, तो जब हम इस P point पर है, suppose this is P zero, अगर इस P zero point पर है, that means it is saying that if economy wants to operate at point P zero, then it will be able to produce only Y and there will be no production of X, क्योंकि इसमें क्या है, X का production 0 है और Y का production है P0, ठीक है। ऐसे ही अगर ये P1 point है, तो इस point पर अगर economy operate कर रही है, तो this shows that economy can produce only X and no production of Y can be done, that means entire resources are being devoted towards the production of X, so इसके क्या coordinates होंगे? जीरो, कि y का प्रोडक्शन जीरो होगा, सिर्फ x का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर इस पॉइंट पर है इकोनॉमी, लेट अस अज्यूम दिस इज पॉइंट ए एंड वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग y a क्वांटिटी ऑफ y एंड सिमिलरली x a क्वांटिटी ऑफ a, सॉरी x, सो x a कोमा y a, दिस इज द कोऑर्डिनेट। दिस मींस इस पॉइंट पर अगर इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है, तो एक्स ए क्वांटिटी एक्स की प्रोड्यूस करेगी और वाई ए क्वांटिटी वाई की प्रोड्यूस कर सकती है। इसी तरीके से अगर हम इस बी पॉइंट पर है, सिमिलरली वी कैन हैव वाई बी एंड दिस इज एक्स डी एंड दिस इज एक्स डी कॉमा वाई बी, दिस इज हाउ इट मूव्स। Similarly, we can pick up any point from this curve and we can have how much is of which commodity is being produced in the economy. कि किस commodity का कितना production किया जा रहा है? Am I right or not? Hello? Am I clear? Students? Yes, sir. Did you get it? Yes, sir. Yes, sir. अब जो ये production possibility curve होता है, ये तो different possibilities बता रहा है। अब economy सभी points पर तो एक साथ नहीं होगी। इकोनॉमी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी एक ही पॉइंट पर होगी। प्लीज
डिड यू गेट इट? क्या मेरी बात समझ में आई है भाई? ऐसा तो नहीं होगा yes, ना sir. कि इकोनॉमी इस पॉइंट पर भी ऑपरेट कर रही है, इस पर भी ऑपरेट कर रही है, इस पर भी ऑपरेट कर रही है, इस पर भी ऑपरेट, इस पूरे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इकोनॉमी ऑपरेट कर रही होगी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, यस और नो? ये तो डिफरेंट yes, पॉसिबिलिटीज है कि इनमें से चाहे तो किसी भी पॉइंट पर इकोनॉमी ऑपरेट कर सकती है, पर करेगी तो किसी एक को। अब जैसे सपोज करो आपके पास कुछ पैसे हों, यानी कि कुछ रिसोर्सेज हों, और आप उन पैसों से एक्स कॉमोडिटी भी खरीद सकते हो, वाई भी खरीद सकते हो, जेड भी खरीद सकते हो, के भी खरीद सकते हो, एल भी खरीद सकते हो, एम भी खरीद सकते हो, एन भी खरीद सकते हो, पर उन पैसों से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खरीदोगे तो कोई एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी, सारी की सारी तो नहीं खरीद पाओगे। प्लीज पार्टिसिपेट, यस और नो? हेलो स्टूडेंट्स, डिड यू गेट इट? तो इसीलिए इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के इन डिफरेंट पॉइंट्स पर, इन डिफरेंट पॉइंट्स, इन डिफरेंट पॉइंट्स के डिफरेंट पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पर इकोनॉमी ऑपरेट करेगी, और जिस भी पॉइंट पर इकोनॉमी ऑपरेट करेगी वहीं से हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं एग्जांपल, क्या ये बात समझ में आ गई? हेलो, इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है? जितना मैंने बताया अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना आप में से किसी ने? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या इससे रिलेटेड किसी ने कोई क्वेश्चन, कोई सवाल पूछना है? नो चलिए नहीं पूछ रहा, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा हमें फोकस करके देखना है। This is y, this is x, this is production possibility curve p, this is production possibility curve p, got it? अब हमने दो तरह के कर्व बनाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के एजर्ट बॉक्स हमने बनाए थे, एक था कंजम्पशन का और एक था प्रोडक्शन। लेट मी ड्रॉ देम वंस अगेन जस्ट फॉर द सेक कि यू कैन रिकलेक्ट एवरीथिंग टू अंडरस्टैंड। This is OA, this is OB, this is X, this is Y, this is the contract curve, this is how the A's indifference curve and B's indifference curve are tangent, this is a point of the contract curve. Similarly, we can have different points over here, we can have different points A1 and B1 and again this B point, yes or no? तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स है। अब इसमें क्या है कि इकोनॉमी में वाई इतनी है, इतनी क्वांटिटी है वाई की, और एक्स की पूरी इकोनॉमी इतनी क्वांटिटी है, दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी कंज्यूमर्स, इज दैट ओके? हेलो, हेलो, यस सर, ठीक है। अब ऐसे यहां पर हम लिख लेते हैं F1, ये हो गया OF2, ठीक है, एंड दिस इज लेबर, दिस इज कैपिटल, ये लेबर कैपिटल है और ये यहाँ हमने कॉन्ट्रैक्ट कर बना रखा है इसका, ये आईसो पॉइंट हो गया, ये एक्स जीरो हो गया, ये वाई जीरो हो गया, ये पॉइंट हो गया, मान लीजिए जे जे पॉइंट हो गया, ऐसी और भी पॉइंट्स हैं। तो अब जो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स तो ये यहाँ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्लीज पार्टिसिपेट, यस और नो? अभी हमने देखा था ऑल दिस, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर है प्रोडक्शन का, ये प्रोडक्शन के कॉन्ट्रैक्ट करके सारे पॉइंट्स यहाँ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट ये पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब ये पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड कब करेंगे, जैसे देखते हैं,
अब यहां हम क्या कर रहे हैं कि y का इतना प्रोडक्शन है इकोनॉमी में, x का इतना प्रोडक्शन है, दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब सपोज करो इकोनॉमी कहती है कि हम, मैं इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रही हूं, जैसे कि पॉइंट हो गया ये, लेट मी हैव z पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि z पॉइंट से अगर मैं ये बनाऊं यहां पर वाई जेड और इस तरह से बनाऊंगा एक्स जेड, तो आपको नहीं लगता ये कॉन्ट्रैक्ट कर की तरह ही, सॉरी ये एजवर्क बॉक्स की तरह बॉक्स बन गया ये यहां से, लेट मी सम अदर कलर, ये यहां से ये और ये, ये ये और ये, ठीक है। आप ये इसी तरह से हम इसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट कर दिखा सकते हैं कि इकोनॉमी में, इकोनॉमी अगर इस z पॉइंट पर ऑपरेट कर रही है, तो इसका मतलब इकोनॉमी में वाई जेड क्वांटिटी वाई की है और एक्स जेड क्वांटिटी एक्स की अवेलेबल है, दैट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टू कंज्यूमर्स। तो इसी तरीके से यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर बन जाएगा जो कंजम्पशन का होगा, जिसमें दो इनडिफरेंस कर्व्स टेंजेंट हो सकते हैं ऐसे, ये हो गया ए जीरो और इसी तरह से ये हो गया बी जीरो, ये टेंजेंसी पॉइंट होगी ए पॉइंट, यस और नो? तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिड यू गेट इट? हेलो, ऐसी और कर्व बना लीजिए यहां पर, लेट दिस इज बी वन, दिस इज बी टू, As we can draw the curves also. A1 and this is A2. Did you get it? Hello? C point is it. Did you get it? हम ऐसे ये contract कर दिखा सकते हैं, क्या मेरी बात समझ में आई है आप लोगों को? Hello? स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया है आप लोगों को? हेलो, यस सर। कोई डाउट, कोई सवाल पूछना आप में से किसी ने? आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि ये तो इतने सारी पॉसिबिलिटीज हैं, यहां तो कॉन्ट्रैक्ट कर पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, पर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा माना जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन नाउ, ठीक है? इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा माना जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आ गई? कि ये तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं भाई, ये भी हो सकता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये भी हो सकता है, ये भी, पर ये सारे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होंगे जिसमें इकोनॉमी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों फेज एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हो, कि जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही कंज्यूम भी हो रहा हो, एक जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही कंज्यूम भी हो रहा हो। एक मिनट होल्ड कीजिए। तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट तो कोई एक पॉइंट होगा, ये सारे के सारे पॉइंट तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे नहीं, इनमें से कोई एक पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे डिटरमाइन करेंगे और कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, लेट अस सी दैट, लेट अस सी दैट। Let me draw the curve once again. Let me draw the figure once again. This is y, this is x. This is production possibility curve. Assume the economy of fields at this point Z.
z. अब देखो बेटे इक्विलिब्रियम क्या होगा, देखो कंजम्पशन, कंजम्पशन इक्विलिब्रियम क्या था, कंजम्पशन इक्विलिब्रियम था जब हम कह रहे थे एम आर एस ऑफ एक्स वाई ऑफ ए बराबर होगी एम आर एस ऑफ एक्स वाई ऑफ बी इज इक्वल टू होगा पी एक्स अपॉन पी वाई, और प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम क्या है, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम है जब हम कह रहे हैं एम आर टी एस एल के ऑफ एक्स इज इक्वल टू का एम आर टी एस एल के ऑफ वाई इज इक्वल टू का डब्ल्यू अपॉन में आर, और एम आर टी ऑफ एक्स वाई बराबर होगा एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई के, यस नो, यही हमने बोला। तो ये दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू अ ए विच इज विल बी इक्वल टू एम आर एस एक्स वाई होगा पी के इक्वल विच इज इक्वल टू अ पी एक्स अपॉन पी वाई विच विल बी इक्वल टू एम आर पी एस एल के ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम आर टी एस एल के ऑफ वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में आर, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम आर एस ऑफ एक्स वाई ऑफ ए इक्वल्स एम आर एस ऑफ एक्स वाई ऑफ पी इक्वल्स पी एक्स अपॉन पी वाई इक्वल्स एम आर टी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यानी कि जब ये कंडीशन फुलफिल होगी या इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल होगी तो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। अब ये फुलफिल होने के लिए क्या है कि जो स्लोप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का है, जो स्लोप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का है वही स्लोप बजट लाइन का होना चाहिए। जैसे अगर इस केस में हम देखें, अगर इस केस में यहां पर देखें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप ये जा रहा है, suppose this is the tangent line, this is the tangent line at, this is tangent t0 at which, at this point mRT of xy is equals to mcx upon mcy। तो अब जो बजट लाइन इसके पैरेलल होगी उस बजट लाइन का स्लोप और इसका सेम होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक बजट लाइन है, जैसे सपोज कर लो ये, लेट अस ड्रॉ दिस बजट लाइन समथिंग लाइक दिस, एक बजट लाइन है ये, हो सकता है कि जो दूसरी बजट लाइन है वो इस तरह की हो, बजट लाइन ये है, ठीक है, एक ये बजट लाइन है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट कर वो सपोज करो इस तरह से बना हुआ है, लेट अस सी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर है, ऐसे इनके बीच में भी बहुत सारी बजट लाइन्स हो सकती हैं अलग अलग स्लोप वाली और अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट कर ये बना हुआ है तो लेट अस हैव कि एक ये पॉइंट है, सपोज करो ए जीरो और यहीं पे टेंजेंट है ये बी जीरो और
ये पॉइंट है यहाँ पर, सपोज करो बी वन, सिमिलरली लेट्स हैव दिस एज is A1, A1, A point B है। सपोज करो ये A point है और ये चलो कुछ और नाम देते हैं, A तो कॉमन बहुत जगह हमने यूज किया, let's have point J, suppose this is point J and this is point H। अब अगर तो कंज्यूमर्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, अगर तो कंज्यूमर्स एच पॉइंट पर एग्री करते हैं तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि एच पॉइंट का जो ये स्लोप है, ये स्लोप है और ये स्लोप है, तीनों सेम है और ये स्लोप इस स्लोप के बराबर है, इसलिए ये भी सेम हो गया एच पॉइंट से। अगर कंज्यूमर्स कहते हैं हम एच पॉइंट पे नहीं ऑपरेट करेंगे, हम पॉइंट पे ऑपरेट करेंगे जे पे, तो इसका मतलब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है। प्लीज पार्टिसिपेट, यस और नो स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यस सर, ठीक है ना, इसका मतलब इकोनॉमी क्या नहीं है, इकोनॉमी किस चीज पे नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट अस सी व्हाट इकोनॉमी सपोज टू डू। अब इसके पैरेलल एक टेंजेंट मैं बना रहा हूं यहां पर, इसके पैरेलल टेंजेंट बना रहा हूं, लेट अस फॉर यू ड्रॉ वंस अगेन। इसके पैरेलल, इस वाले के पैरेलल ये टेंजेंट है, सपोज करो ये है टी वन इस पर, और इस ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ जे था, इसको मैं पॉइंट ले लेता हूँ वी, वी पॉइंट, इकोनॉमी वी पॉइंट पर है, तो वी पॉइंट के हिसाब से क्या कहते हैं कि एक्स एक्स वी और YV कॉम्बिनेशन बनेगा, YV और XV कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब कहने का क्या है, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये मैंने जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, अदरवाइज इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, फिगर हॉच पॉच हो गई है ये, मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ आपको सिर्फ कि अगर मान लीजिए कंज्यूमर्स कहते हैं अगर मान लीजिए कंज्यूमर्स कह रहे हैं सपोज अगर कंज्यूमर्स कहते हैं कि वी विल प्रेफर
वी विल प्रेफर टू ऑपरेट एट पॉइंट जे. अब इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है जेड पॉइंट पर, तो जे और जेड पॉइंट से ये इक्विलिब्रियम कंडीशन तो फुलफिल होगी नहीं, यस और नो? हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग? यस सर. ठीक है, तो अब जे और जेड पॉइंट में तो इक्विलिब्रियम होगा नहीं, कि या तो अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इकोनॉमी जेड पॉइंट से हटाकर ऑपरेट करना शुरू करे वी पॉइंट पर, यानी कि अपने रिसोर्सिस को रीएलोकेट करे और वी पॉइंट पर प्रोड्यूस करे, तब जाकर जे पॉइंट के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम में आएंगी, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होगा प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों में, या फिर कंज्यूमर्स अपने आप को एडजस्ट करें जे से एच के पॉइंट पे आए, रीएलोकेट करें रिसोर्सिस को और एच पॉइंट पे आ जाएं, ताकि यहां पर इकोनॉमी को फिर चेंजेस ना करने पड़े. इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आया है? हेलो. यस सर. ठीक है. यस सर. तो दिस इज हाउ द जनरल इक्विलिब्रियम, और यू कैन से द इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम in both the sections or sectors will be achieved. इससे related, I hope मैंने आपको समझाया, ये समझ आया होगा आप लोगों को. इससे related कोई सवाल हो, कोई question पूछना चाहता आप में से कोई, तो पूछ सकता है. Yes, I am open to answer the question. Sir, बोलिए. Who is this? Sir, Mustafa is. हाँ, Mustafa Rahman. Yes sir. हाँ, बोलो. सर वो समझ में नहीं आया कि एच पॉइंट कैसे इक्विलिब्रियम है और जे कैसे नहीं है. ये देखो, जे पॉइंट के ये जो बजट लाइन है, इसका स्लोप डिफरेंट है इससे. डिड यू गेट इट? यस सर. तो ये स्लोप डिफरेंट है, यानी कि जो जे पॉइंट है, इस पर पी एक्स एट जे अपॉन पी वाई एट जे इज नॉट इक्वल्स टू पी एक्स एट एच अपॉन पी वाई एट एच. यस और नो? यस सर. तो इसका मतलब हो गया कि ये इसके इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब ये हो गया, एक तरीके से पी एक्स एट एच अपॉन पी वाई एट एच इक्वल है किसके? इस पॉइंट पर, यानी कि एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई विच इज एम आर टी एक्स वाई. इस टेंजेंट के ये बजट लाइन पैरेलल है ना, तो इन दोनों का स्लोप सेम है. इन दोनों का स्लोप सेम है, तो इस पर जो स्लोप कंडीशन फुलफिल हो रही है, वो इसी पर हो रही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. तो इसका मतलब ये दोनों तो इक्विलिब्रियम में है, इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्विलिब्रियम में है. बट अगर पीजे लूंगा, क्योंकि पीजे इज नॉट इक्वल टू दिस and this equals this, therefore pj is not equals to this. इसका मतलब क्या हो गया? px at j upon py at j is not equal to mcx upon mcy. This is what it means, which is equals to mr txy. तो अब जब ये इसके equal नहीं है, इस पूरी इसके equal नहीं है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो कंडीशन फुलफिल हो रही है, वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन नहीं होगी ना. दोनों में सेम सिमिलैरिटी नहीं है, सेम स्लोप नहीं है. डिड यू गेट इट? सर, गॉट इट. एनी अदर क्वेश्चन? किसी और ने कोई और सवाल पूछना है? हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप में से कोई और सवाल पूछना चाहता है? तो ठीक है फिर, आज और अभी के लिए हम इतना ही करते हैं. ठीक है, आज इतना ही करेंगे. थैंक यू वेरी मच.